वेलकम टू लर्निंग लोकस। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कुछ नाउन्स को जो कि सिंगुलर ही यूज होते हैं, केवल सिंगुलर ही यूज होते हैं, इसलिए टॉपिक हो गया है ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स। इसका मतलब होता है कि जो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं उनमें हम किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं, जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में यूज होते हैं और सिंगुलर ही रहते हैं। तो इनकी सूची एक मिलने वाली है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलेगी, ये हम लर्न करेंगे। लेकिन वीडियो के लास्ट में भी यह भी सीखेंगे कि इन नाउन्स को भी हम प्लूरल बना सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करके, वो देखेंगे। और सूची देखने से पहले आप समझ लीजिए कि आप जानते भी हैं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, सारे के सारे हमेशा ही होते हैं सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो यह सूची है तो ऐसी तो नहीं कि अनकाउंटेबल नाउन्स की सूची है, डेफिनेटली यह सूची भी अनकाउंटेबल नाउन्स की सूची है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कि आप वाटर को समझ लेंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। वाटर सुनते ही आप समझेंगे कि अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एडवाइस वर्ड यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो मुश्किल होता है। तो वैसे ही वर्ड्स की सूची है जिसका डिसाइड करना आसान नहीं होता कि अनकाउंटेबल है, वे इस सूची में सारे अनकाउंटेबल होंगे लेकिन डिसाइड करना मुश्किल होता है, वह सूची है। और फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा एडवाइस ए से, जो भी होता है अल्फाबेट ऑपरेटर्स एंड अकोमोडेशन। ऑपरेटर्स का मतलब होता है उपकरण और अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, आवास। तो इस तरह से ए से हो गया चार। अब सी से मिलेगा आपको, सी से दो वर्ड है कॉफी एंड कार्डबोर्ड। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्ड्स इतने ही नहीं होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी ही सूची बनाई गई है। देन डी से डस्ट एंड डर्ट। फिर है सूची में फ्रूट फूड फर्नीचर। आप फूड को तो बोल देंगे देखकर दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, बट फर्नीचर को, फर्नीचर मिलेगा तो कैसे बोलेंगे अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, ये समझ में नहीं आता, बिकॉज इसको क्लियरली डिफाइन करना आसान नहीं होता, बट ये अनकाउंटेबल की सूची में है और इसलिए यह हमेशा ही सिंगुलर होता है। फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इस वर्ड का यूज करते हैं हम। देन इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन, ये जो सर्कल कर रहा हूँ इसको कभी मत भूलिएगा। इक्विपमेंट कभी इसमें एस नहीं लगाइएगा, फर्नीचर कभी एस नहीं लगाना है, बाकी समय भी नहीं लगाना है, बट इनका यूज बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट वन मनी एंड म्यूजिक। मनी अनकाउंटेबल है, यहीं पे अगर रूपी होता तो रूपी काउंटेबल होता है, तो मनी अनकाउंटेबल, म्यूजिक भी अनकाउंटेबल। देन पी से परसेंटेज परमिशन प्रोग्रेस एंड पोएट्री, ये चारों वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं। फिर ट्रैफिक ट्रैवल एंड टाइम, ये भी अनकाउंटेबल है। और लास्ट लाइन है इसका, इस स्लाइड का, वर्क वेदर एंड होमवर्क। डब्ल्यू से तो लिखा है लेकिन इसमें वर्क आ गया है, इसलिए हमने होमवर्क को भी इसी लाइन रख दिया है। तो इस तरह से यह पहली स्लाइड में जो सूची है, अभी तीन लाइन हमें और मिलनी है इसमें, और इसमें नॉलेज लगेज, नॉलेज बहुत यूज करते हैं हम, लगेज है यह अनकाउंटेबल, लेकिन वहीं पे बैगेज वर्ड, बैगेज वर्ड ये होता है काउंटेबल, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वन नॉनसेंस एंड बिहेवियर, ये दोनों के दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं। और लास्ट लाइन है इसमें सीनरी इंफॉर्मेशन रिसर्च, सीनरी इंफॉर्मेशन रिसर्च, ये सब के सब हैं हमेशा सिंगुलर। ए इंफॉर्मेशन नॉलेज, और भी वहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया था, देख लिया आपने, ये सब के सब हमेशा सिमिलर होते हैं, भूलना नहीं है, गलती से भी मिस्टेक नहीं होना है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इनको हमें प्लूरल बनाना है तो डेफिनेटली इनमें तो हम कुछ बदलाव कर सकते नहीं हैं, लेकिन इनमें बदलाव करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ सकते हैं। और क्या प्लूरल के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एडवाइस है तो इसके पहले जोड़ देंगे पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, तो इस तरह से एडवाइस बन गया
प्लूरल, इसमें बदलाव नहीं किया बट पीसेस ऑफ जोड़ दिया, चाहे आइटम्स ऑफ जोड़ देंगे, चाहे काइंड्स ऑफ, चाहे जो भी आपको अभी एटसेट्रा है और भी होते हैं बहुत सारे, तो जोड़कर आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। इनको सिंगुलर, पूरा ही सिंगुलर दिखाने के लिए, ऐसे सिंगुलर तो होता ही है, अगर पूरा सिंगुलर बताना है किसी को तो पीस ऑफ करके भी हम लिख सकते हैं इसको, नहीं तो एडवाइस का मतलब भी सिंगुलर, या पीस ऑफ करके भी आप लिखते हैं तो भी सिंगुलर। तो इस तरह से प्लूरल बनाने के लिए आप पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ब्रांचेज ऑफ, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है उसको इनके पहले यूज कर दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। एक बहुत जरूरी बात, अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट करते नहीं हैं, तो उनके पहले ए और एन तो होना नहीं चाहिए, इसलिए इनके पहले ए एन का कभी प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। आप अन एडवाइस नहीं लिख सकते हैं, कॉमन एरर्स में पूछते रहता है, अन एडवाइस हो ही नहीं सकता है, बिकॉज एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और ए एन का प्रयोग करते नहीं हैं हम। तो इस तरह से हमने इसमें सीखा कि कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं, डेफिनेटली दे आर अनकाउंटेबल बट देखने से समझ में नहीं आता है कौन काउंटेबल है, इसलिए उनको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। और होप आप ये भी याद रखेंगे कि ए एन का कभी प्रयोग नहीं करना, और अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ब्रांचेज ऑफ, जो भी आपको उस वर्ड के अनुसार सुटेबल होगा आप लगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।